जी S7T रग्ड गेमिंग स्मार्टफोन। अब दोस्तों रग्ड स्मार्टफोन स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल तो होते ही है, इनफैक्ट इनका मेन फीचर ही यही होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होना, ग्राउंड पर गिर जाने पर या ऐसा कुछ होने पर ना टूटना। खैर तो डॉजी S70 रग्ड स्मार्टफोन तो है ही, बट अच्छी बात यह है कि इसमें गेमिंग का फीचर भी ऐड कर दिया गया है। मतलब वैसे तो नॉर्मली आप हर एक स्मार्टफोन पर ही गेमिंग कर सकते हैं, बट इसमें गेमिंग के लिए आपको अलग से एक अटैचमेंट मिल जाएगा, यानी इसे आप एक मिनी गेमिंग कंसोल भी कह सकते हैं। तो अब बात कर लें उस अटैचमेंट की जो आपको इसके साथ गेमिंग के पर्पस से मिलेगा, तो वो होता है स्मार्टफोन गेम पैड, जिसमें आप इस स्मार्टफोन को लगाकर गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी एनहांस कर सकते हैं। इस एडिशनल गेम पैड में जॉयस्टिक के साथ साथ कुछ एडिशनल कीज भी मौजूद होती हैं, और इनसे आप हर तरह के गेम्स का मजा ले सकते हैं, वो भी एडवांटेज के साथ में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 6GB रैम के साथ ये गेमिंग के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन है, और साथ ही एडिशनल गेम पैड एसेसरी के चलते आपको एडवांटेज तो रहेगा ही। इसके अलावा आप स्मार्टफोन की फुल स्क्रीन को सिर्फ देखने के लिए ही यूज करेंगे, यानी कि आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि स्मार्टफोन स्क्रीन पर बनी बटन्स की बजाय आप इस गेम पैड का यूज करेंगे, तो जाहिर है स्क्रीन सिर्फ आपके व्यू को एनहांस करेगी, यानी इस तरह से आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा, और ये सब ओवरऑल एक मोबाइल गेमर के तौर पर आपको काफी एडवांटेज प्रोवाइड कर देगा। रॉट्रिक्स डेक्सा। सो गाइस, जैसा कि हमने आयरन मैन मूवी में टोनी के खुद के इन्वेंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जाविस को देखा था, जो कि हर एक डिवाइस कंट्रोल करके टोनी की हेल्प करता था, खासकर आयरन मैन के पार्ट 1 में। अब एग्जैक्ट इसी तरह का एडवांस AI तो अभी नहीं बन पाया है, बट उससे काफी मिलती जुलती है ये रोबोटिक आर्म, जो कि आपके असिस्टेंट की तरह से वर्क कर सकती है। देखा जाए तो ये छोटे मोटे काम काफी प्रिसीजन के साथ कर सकती है, लाइक अगर आपको कुछ लिखना हो या नोट्स तैयार करने हो, तो ये काम आप इस रोबोटिक आर्म से करवा सकते हैं। इसके अलावा लेजर इंग्रेविंग से लेकर चेस जैसे गेम्स भी खेल सकती है ये आपके साथ। इंटेलिजेंट तो ये है ही, और अच्छी बात ये है कि इसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट होता है, तो इसे आप टेबल पर आसानी से प्लेस कर सकते हैं साइड में। लिखने के अलावा ये पेपर पर ड्राइंग्स भी बना सकती है, वो भी प्रो लेवल की ड्राइंग्स। बात करें लेजर इंग्रेविंग की, तो वो भी ये डिटेलिंग के साथ कर सकती है ज्यादातर मटेरियल्स पर, लेकिन इन सब के अलावा भी ये काफी कुछ क्रिएटिव कर सकती है, क्योंकि जाहिर है गाइस ये बेस्ड होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो AI गैजेट्स हमेशा टाइम के साथ नई नई चीजों को सीखते हैं, और हर आने वाले दिन के साथ उनकी इंटेलिजेंस और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ओवरऑल गाइस ये रोबोटिक आर्म भी काफी अच्छा कंपेनियन साबित हो सकती है। Razer Synosa V2। अब गाइस, Synosa एक RGB गेमिंग कीबोर्ड है, RGB यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू। बेसिकली ये 3 कलर्स प्रो गेमर्स को हमेशा अपने कीबोर्ड में बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इस RGB कीबोर्ड में भी आपको इन 3 कलर्स का पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाएगा, लाइक ब्राइट पर्पल्स, डार्क रेड्स और भी सारे कलर्स जो कि इन बिटवीन आते हैं, और इन कलर्स को आप पूरे के पूरे कीबोर्ड की बैकलाइट के तौर पर यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर कीज की बैकलाइट के तौर पर, जैसी आपकी मर्जी। RGB के अलावा भी इसमें और भी कई बेसिक और नेसेसरी एडवांटेजेस मौजूद हैं, लाइक स्पिल रेजिस्टेंट डिजाइन वगैरह। हर एक की का अपना एक अलग सिग्नेचर कलर भी हो सकता है, और गेम्स के अकॉर्डिंग ही इसकी कीज को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि की प्रेस के दौरान कीज को आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं बैकलाइट कलर भी मैटर कर सकता है, तो ये भी एक एडवांटेज की तरह है। तो ओवरऑल गाइस, PC गेमर्स के लिए एक डेडिकेटेड एंड फोकस्ड कीबोर्ड की बात करें, तो Razer Synosa V2 काफी जबरदस्त चॉइस है। Insta360 ONE R। अब गाइस, बात करें व्लॉगिंग की, तो बहुत से लोग अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए 360 डिग्रीज कैमरास का यूज करते हैं परफेक्ट शॉट्स के लिए, बट बेटर इमेज क्वालिटी और हायर बिट रेट के साथ Insta360 ONE R काफी एडवांस्ड हो जाता है इस फील्ड में। इसमें आपको आपकी जरूरत के हिसाब से बहुत से अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक अगर आप अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए इसमें एक्वाविजन फीचर मौजूद होता है। साथ ही अगर आपको दो आमने सामने बैठे ग्रुप्स की बातें रिकॉर्ड करनी है साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए इसमें 360 डुअल लेंस मौजूद होता है, यानी फीचर्स बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के हैं इसमें। अब गाइस, वीडियो के साथ साथ ऑडियो का बेहतरीन होना भी बहुत जरूरी होता है, और ऑडियो खराब होता है नॉइस की वजह से, तो उसके लिए भी इसमें बेटर नॉइस रिडक्शन का फीचर मिल जाएगा आपको, जिससे वीडियो के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो जाती है। वैसे अगर आप पर्टिकुलरली एयरपॉड्स यूज करते हैं, तो उनके थ्रू आप इसे वॉइस कमांड्स देकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, हालांकि ये फीचर्स एयरपॉड्स यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। ओवरऑल गाइस, अपनी धमा चौकड़ी वाली एक्टिविटीज के 360 डिग्री वीडियो शूट करने के लिए Insta360 ONE R काफी अच्छा कैमरा है। Astro A03 इन ईयर मॉनिटर्स। अब वैसे तो गेमिंग के लिए, फिर चाहे वो मोबाइल पर हो या PC पर, ईयरफोन से ज्यादा लोग हेडफोन्स को प्रेफर करते हैं, बट अगर फिर भी ईयरफोन्स आपकी प्रायोरिटी में आती हैं, तो म्यूजिक से लेकर गेमिंग, इन सभी पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए Astro A03 इन ईयर मॉनिटर्स परफेक्ट होती हैं, क्योंकि इनमें आपको बिल्कुल टाइट सा डिस्टॉर्शन फ्री बेस मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा और डीपली बात करें इसके फीचर्स की, तो इसके एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के चलते इसमें आपको ट्रू टू लाइफ ऑडियो सुनने को मिलेगा, यानी बिल्कुल ही रियलिस्टिक साउंड। म्यूजिक हो या गेमिंग, इसके डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स बेस
मिड्स और हाई फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल बैलेंस्ड रखते हैं, जिससे काफी एक्यूरेट साउंड जनरेट कर देती हैं ये ईयरबड्स। अब ये काफी ड्यूरेबल भी हैं क्योंकि इनमें एल्यूमिनियम हाउसिंग का यूज किया गया है। ये मटेरियल इन्हें लॉन्ग लास्टिंग तो बनाता ही है, साथ ही ट्रैवलिंग के टाइम पर इन्हें प्रोटेक्ट भी करता है, और क्योंकि इनमें फ्लैट केबल्स होती हैं तो टैंगलिंग की प्रॉब्लम भी लगभग इनमें ना के बराबर रहती है। तो हर एक ऑडियो रिलेटेड नीड्स को ये इन ईयर मॉनिटर्स परफेक्टली पूरा कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।